फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको एसएफडी और बीएमडी के थोड़े बहुत फिगर्स, जो स्टैंडर्ड्स और डायग्राम्स है एसएफडी बीएमडी, वो मैंने बताए थे। जैसे कि मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल ये स्केच, ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल। यूडीएल हो गया, कैंटिलीवर बीम एंड ट्रायंगुलर लोडिंग। तो आज हम क्या है, आज हम सवाल देखने वाले हैं बहुत सारे, लगभग 10 to 14, आई थिंक 14 क्वेश्चंस है जो हमको करने हैं आज, इनके एस एफ डी पेम बनाने हैं। जो ये रहे, पहला सवाल सिंपली सपोर्टेड है, सेकंड सवाल भी सिंपली सपोर्टेड विद द यूवीएल, ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो इन सब के हमको एस एफ डी पेम भी बनाने हैं। सारे मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन इधर फ्रेम करे हुए हैं और अनदर 4 क्वेश्चन ऑन दिस पेज। तो ये क्या, ये बहुत मतलब ये थोड़े टिपिकल से है, तो ये मैं इसलिए लास्ट में कराऊंगा। 11, 12, 13, 14, ये 4 सवाल लास्ट में देखेंगे, ताकि थोड़ा बहुत टिपिकल है। 14 जरूर थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन ये 3 सवाल जो है काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, 11, 12 एंड 13। तो उससे पहले मैं थोड़ा रिविजन करा देता हूँ जो कल करा था हमने, थोड़ा सा रिवाइज, ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर मैंने बताया था, अगर हमारा यूडीएल है या फिर कंसेंट्रिक लोड है या फिर ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो ये तो हमारा यूडीएल कैसा है, 0 डिग्री कांस्टेंट है, क्योंकि हम जब इसको फ्रेम करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो हमारा कांस्टेंट डिग्री मीन्स कांस्टेंट है, तो 0 डिग्री हो गया। ये हमारा लोड सिंपल पी हो गया, और ये हमारा कैसा है, डब्ल्यू, कैसे वेरी कर रहा है, 1 डिग्री। तो इसमें मैंने बताया था कि ये तुम्हारा शियर फोर्स रहेगा और ये तुम्हारा बेंड मोमेंट। यूडीएल के लिए भी मैंने बताया था ये तुम्हारा शियर फोर्स रहेगा एंड दिस इज योअर बॉन्डिंग मोमेंट। एंड फॉर दिस वन, तो इसका स्केच मैं बनाऊंगा, इसमें सिर्फ डिग्री लिखा हूँ। एस एफ डी के लिए कितना देखो, 1 डिग्री डब्ल्यू है, तो 2 डिग्री हमारा क्या रहेगा एस एफ डी, 3 डिग्री रहेगा बी एम डी। ये सिंपल लोड है, तो 0 डिग्री ये रहा एंड 1 डिग्री रहा, सेम है बिल्कुल। इसकी इसमें थोड़ा सा फर्क है बस, पी फिर डब्ल्यू, 0 डिग्री है। सो दिस इज अवर 1 डिग्री एंड दिस इज अवर 2 डिग्री। तो मुझे आज डिग्री बतानी है, क्योंकि यही रिवीजन कराने लायक था आज के लिए, क्योंकि बाकी तो मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया सब कुछ। रिवाइज इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। और मैंने बताया था जो 3 रिलेशन, 2-3 रिलेशन, डब्ल्यू बराबर डीवी बाई डी एक्स एंड शियर फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ये 2 रिलेशन भी आज बहुत काम आएंगे, जिससे मैंने बताया था कि कहाँ पर वैल्यू कैसा कॉन्स्टेंट लेना है, कर्व कैसा घुमाना है। कर्व के लिए मैंने बताया था मेनली वैसे। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो ये आज यूज आने वाली है हमारे। तो चलो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। पहला सवाल ये वाला बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं पहले कि इसको कैसे करेंगे। मैं सीधा कॉपी कर लेता हूं इसे एंड मूव ऑन ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये रहा हमारा सवाल, ठीक है, पहला सवाल है। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो क्या बताया था मैंने कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, हमेशा रिएक्शन निकालना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टेप्स में चाहे एक बार लिख देता हूँ। पहला स्टेप है हमारा कैलकुलेट द रिएक्शंस। पहला काम क्या है, हमेशा जितने भी उसमें अननोन्स है वो फाइंड आउट करने हैं। पहला काम क्या है, जितने भी क्या है अननोन्स है उनको फाइंड आउट करना है, पहला काम। दूसरा, फिर हमको क्या करनी है, शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशंस, मीन्स हर एक सेक्शन पे देखना है कितना कितना शियर फोर्स है, जो भी हमारे कंसर्न क्या रहेंगे, सेक्शंस रहेंगे, जहां पे देखना हमको जरूरी है। और सेम फिर बीएमडी के सेक्शंस की कैलकुलेशन, सेक्शन सेम रहेंगे लगभग, एसएफडी के जो सेक्शन लेंगे वही बीएमडी के लेने, ज्यादा चेंज नहीं करना। तो सेक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, सवालों के साथ साथ तुम्हारा रिविजन हो जाएगा पूरा। तो तुम्हें पहले से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तुम भी करना साथ साथ, तो ये 15 या 14 सवालों के अंदर पूरा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एसएफडी बीएमडी का। इसके बाद तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। सो ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। तो पहला काम क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालना है, तो देखो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने रिएक्शन आएंगे, हिंज सपोर्ट है, हिंज पे कितने रिएक्शन रहते हैं, 2।
तो मैंने ये दो डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग ले ली। रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे क्या था हमेशा वाई डायरेक्शन में, बाकी जो लोडिंग से ओला बना दो ये हमारा कंसेंट मोमेंट है, कंसेंट्रेटेड मोमेंट। ये मोमेंट है कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहाँ पे हमारा क्या है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा 5 मीटर, दिस इज वन ऑल्सो 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। इसको हम नाम दे देते हैं कि R1, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ के लिए। जैसे इसको नाम हमने R1 दे दिया, इसको नाम हमने R2 दे दिया, इसको मीनो को R3। तो इस सवाल के कितने रिएक्शन हो गए, 1 2 3, थ्री रिएक्शन है, मीन्स थ्री अननोन है। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, तीन इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, समेशन Fx इजिकल टू जीरो, क्या है समेशन Fx इजिकल टू जीरो। तो पहला इक्वेशन का हम यूज करेंगे इसमें, पहले इक्वेशन समेशन Fx, x डायरेक्शन में कितने फोर्स है, सिर्फ R2 है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा R2 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ओरिजोनटल कोई लोडिंग अप्लाई नहीं एक्सटर्नल। दूसरा समेशन Fi इजिकल टू जीरो। अब देखो शुरू में धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा इस बार, पहले थोड़े दो तीन सवाल है वो मैंने फर्स्ट टाइम वैसे सिंपल कराया, लेकिन अभी शुरुआत के लिए थोड़ा धीरे से लेंगे, फिर बाद में स्पीड में तेज कर लूंगा, ताकि हमको बहुत सारे सवाल करना है। इसलिए समेशन Fi जीरो करना है। समेशन Fi जीरो मीन्स वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है, देखो वाई डायरेक्शन मीन्स एक को पॉजिटिव लो, मीन्स ऊपर जो जितने भी लोड लग रहे हैं उनको क्या ले लेता, पॉजिटिव, नीचे वालों को नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसको लेंगे, R1 और R3 को, क्योंकि ये कहाँ लग रहे हैं, ऊपर लग रहे हैं, अपने कन्वेंशन है ये, तो हम पॉजिटिव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और एक को ले लो, ये नेगेटिव है, नीचे लगेगा 100। अब देखो ये क्या मोमेंट है, तो इसको इसके अंदर मत लेना, क्योंकि मोमेंट की अलग इक्वेशन है और इनकी इक्वेशन अलग है, तो मोमेंट को इसके अंदर मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, समेशन m इक्वल टू जीरो। अब किसके अबाउट ले, मैंने बताया था जहां पे तुम्हारे रिएक्शंस होते हैं उन्हीं के अबाउट लोगे, क्यों, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी, इसलिए टाइम बचेगा। तो इसको मैं a बोल देता हूँ, b c d। तो a के अबाउट क्या ले रहा हूँ मैं, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो a के अबाउट एक मोमेंट ऑलरेडी कौन सा है, क्लॉकवाइज। इसका इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट एक साइड और एंटी क्लॉकवाइज एक साइड, सेम इसका मतलब भी होता है, प्लस वाई में एक साइड लोड, माइनस वाई के एक तरफ, प्लस एक्स की लोडिंग, माइनस एक्स की लोडिंग। तो ये मैं तुमको पहले बता दूंगा, तो ऐसे सिंपल क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन सा है, 50 50। अगला R3 की वजह से कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऐसा लेके जाएगा। तो ए के अबाउट कैसा मोमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखो R3 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 10। सो 10 इंटू R3, मोमेंट के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर ये कैसा है, कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, नीचे लग रहा है तो कैसे देगा, इसके अबाउट, ए के अबाउट क्लॉकवाइज देगा, 5 5 5, 5 3 15 इंटू 100। तो क्लॉकवाइज किस तरफ लिखेंगे, 15 इंटू 100, और एंटी क्लॉकवाइज खत्म। तो अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से R3 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1500 और 500 कितने हो गए, 1500 और 50 बाई 10। सो R3 इज इक्वल टू 155 किलो न्यूटन। ये हमारी R3 की वैल्यू आ गई। तो हमारे कितने रिएक्शन आ गए, R2 आ चुका है, R3 आ चुका है, कौन सा बचा है अब, R1। R1 के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज में लेंगे, ये वाला। तो इसी इक्वेशन को यूज में लेंगे, तो हमें R1 निकालना, तो R1 कैसे निकालेंगे, दोनों का सम कितना है, 100। सो R1 इज इक्वल टू 100 माइनस R3। सो R1 इज व्हाट, -55 किलो न्यूटन। अब बताओ नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने कौन सा कंसिडर करा था, ऊपर की तरफ, बट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ लगेगा, ये नीचे लगेगा। अगर तुम नीचे वाला यूज में ले लोगे तो इसको कैसे कर देना, पॉजिटिव कर देना, सिंपल है। तो इसके वाले कितने 55। तो ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे रिएक्शंस आ गए, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि मैं सही से लिख पाऊँ सर। तो दिस इज अवर R1, तो कहाँ लगेगा R1, नीचे की तरफ, कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ। R3 कहाँ लगेगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो मंस कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये तुम्हारे क्या है, R3 तो सही है, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसको हटा दो R2 को। तुम्हारे पास ये लोडिंग बची एंड में आ गए,
सिंपल, अब सीरफोस डायग्राम और बैडिमो में डायग्राम बनाना है बस। तो मैं पहले सेक्शंस की लाइंस कर देता हूँ रेडी, एक सेकेंड। वन टू, चार सेक्शन है, ए बी सी डी वही सेम। थ्री और दिस इज फॉर आवर एस एम डी एंड दिस इज फॉर आवर बी एम डी। ठीक है, बताओ एस एफ डी बनाना है। तो एस एफ डी के लिए क्या करते हैं, हम कोई सेक्शन लेंगे और हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल काम बस यही करना है। तो पहला सेक्शन कहाँ लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे बताओ कितना लोडिंग है, 55 का कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है मीन्स नेगेटिव लेंगे। कितना, 55। फिर हम और आगे गए, फिर सेक्शन कौन सा है, बी सेक्शन। या इसके लेफ्ट साइड के जितने भी लोड उनको क्या करना है, सम करना है, शियर फोर्स निकाल लेंगे। लेफ्ट में कितने लोड लग रहे हैं, सिर्फ यही लग रहा है, कितना, R1 55 का। अभी भी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो सेम ये चलता जाएगा और कितना रहेगा वैल्यू, 55। बी पे आ गए, सेम 55। अब सी पे देखो, मैंने बताया था अगर कहीं पे लोड अप्लाई हो तो उसके जस्ट लेफ्ट में देखना है, और फिर कहाँ पे देखना है, जस्ट उस पर। तो लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कितना रहेगा, अगर हम लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्या मतलब, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी लोड है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, कितने हैं, 55। ये तो मोमेंट है, इसको लेना नहीं है, तो वही अभी भी कितना है, 55 ही है, अभी भी कितना है, 55 ही है, तो ये सेम रहेगा। अब बताओ, अब 155 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा था, 55, ऊपर क्या लग रहा है, 155। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मैंने बताया था ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये एस एफ डी का फंडा है। बी एम डी में सेम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये मैं बता चुका हूँ, पहले भी काफी बार रिवाइज कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, जब हम सी पे आए जस्ट पॉइंट पे, तो इसमें क्या क्या लोडिंग मिलेगी, एक तो नीचे लग रहा है कितना, 55, ऊपर कितना लग रहा है, 155 ऊपर की तरफ, तो इनको ऐड करो कितना हो गया, प्लस का 100। तो सडन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, सडन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये एरो नहीं चाहिए मेरे को, सडन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, कहाँ पे आ गई, 100 पर, कितना वैल्यू आ गया, 100। अब आगे चलते गए, देखो कोई भी लोड नहीं आ रहा और ऐड हो ही नहीं रहा कोई सा भी लोड, तो अभी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन जैसे हम कहाँ पे आएंगे, डी पे आएंगे, तो जस्ट पहले देखो यूनिट लोड है तो, और जस्ट पॉइंट पे देखो, जस्ट पहले क्या रहेगा, सेम हाल है, 100 चल रहा था, 100 रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे आए तो 100 कहाँ लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, एक एक लोग जो एक लोड जो 100 का है वो कहाँ लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। तो 100 माइनस 100 कितना हो गया, जीरो। तो ये भी यहाँ से भी जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये ऐसा बनेगा। अब मैं दोबारा बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे भी क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके भी जस्ट लेफ्ट में देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, जस्ट लेफ्ट में देखा तो कुछ भी नहीं है, जस्ट लेफ्ट में देखा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। और जस्ट मैं जब यहाँ पे आया ए पर, तो मुझे पता लगा कि 55 का कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इसलिए कहाँ पे सडन नीचे आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एस एफ डी हो गया, एस एफ डी रेडी है, बी एम डी बनाना है। तो बी एम डी की कैलकुलेशन करते हैं, देखो तो बी एम डी कैलकुलेशन इसी में कर देता हूँ मैं, थोड़ा ओवरलैप होगा, अगर किसी को लिखना है तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अगर पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो अगर किसी को कुछ लिखना हो तो, क्योंकि मेरे को बार बार पेज बदलने के लिए टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक यहीं पे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस वीडियो के बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से और देखने की, एस एफ डी बी एम डी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये है, सिंपल। दोबारा चलते हैं एक बार, ये ओवर रिटन चीजें जो है मैंने कर रखी साल तुम, इसको हटा देना। दिस वन नॉट, ठीक ठीक है, चलते हैं, चलो आगे की कैलकुलेशन देखो। अब हम किस पे आ गए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, एस एफ डी कैलकुलेशन हो गई, रिएक्शंस निकाल लिए, अब किस पे है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, वही हमको कितने सेक्शन मिले, ए बी सी डी, चार सेक्शन हो गए, क्योंकि जहां पे हमारे लोड या कोई सपोर्ट आता है तो ये हमको क्या करना है, उसी को सेक्शन बनाना है, या तो लोडिंग में कुछ चेंज हो रहा हो, जैसे यहाँ कंसंट्रेटेड लोड आ गया, पॉइंट लोड आ गया, रिएक्शन आ गया, सपोर्ट आ गया, बस उन्हीं को हम मेन सेक्शन देते हैं, बाकी सारे किसी काम के नहीं है, और सब तुम लीनियरली या कर्व के डिग्री के हिसाब से सीधा ऐड कर देना है, ज्वाइन कर देंगे। तो अब किस पे देखना, पहले ए पे देखो, ए पे
पीछे से चल रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, सो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, बाद में लिखना लिखूंगा नहीं, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अभी तुमको एक दो सवाल में अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एस एफ डी में क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉर प्लस वाई, नेगेटिव फॉर नेगेटिव वाई, ठीक है, और क्लॉकवाइज बीएमडी के अंदर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो। अगर राइट टू लेफ्ट गए तो ये दोनों इंटरलेटेड, वाइस वर्सा, उल्टा कर देना। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए, तो ए पर हमारा कोई मोमेंट नहीं है, क्यों, ना तो कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट है, ना ही कोई मोमेंट इन लोड की वजह से क्या होगा, बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं, तो कितना है, जीरो है। बी पे आओ, बी पे आते हैं, देखो जब भी कंसंट्रेटेड चीज आती है, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ, शियर फोर्स की, शियर फोर्स मतलब लोड, लोड मतलब ये एरो वाले ऊपर या नीचे, तो इनको ध्यान से देखना है। अगर ये कहीं पे आ जाए, जैसे यहाँ पे आया था, तो मैंने इसके लेफ्ट में भी देखना पड़ा और यहाँ पे भी देखना पड़ा, तो हमने देखो जब शियर फोर्स में ये दोनों चीजें आई, तो हमको क्या करना पड़ता है, जस्ट लेफ्ट में और इसी पर, सेम काम यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या मेन है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट मीन्स ये, अगर ये यहाँ पे आए तो मीन्स क्या करना है, उस पॉइंट पे देखना है और उसे जस्ट पहले पॉइंट पे देखना है, ये हमेशा, ये जो काम हमको हमेशा करना है किसके अंदर, अगर वो जो हमारा लोड का पैटर्न है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, कैसा है, कंसंट्रेटेड मोमेंट या कंसंट्रेटेड शियर फोर्स। ठीक है, तो ये काम इंपॉर्टेंट है जो देखना है इस सवाल के अंदर। तो देखो यहाँ पे खुद एक क्या है, कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो मतलब इसके जस्ट पहले देखो, फिर इस पे देखो, जस्ट पहले देखा, जस्ट पहले का मतलब ये है कि बस मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, बस ये ध्यान रखना, ये नहीं कहीं तुम 5-6 सेंटीमीटर आगे चले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट पहले का मतलब है मैंने इसको कंसिडर नहीं करना, इससे पहले के सारे कंसिडर करने हैं। तो जब मैं यहाँ के अबाउट मोमेंट लिखूंगा, तो इस सेक्शन को मैं अलग करता हूँ, ये वाला ए बी सेक्शन अलग किया, क्या लोड लग रहा है नीचे की तरफ, 55, कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर, यहीं पे देख रहे हैं, तो कैसा मोमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन नेगेटिव, कितना आएगा, 55 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 5 5 5 25 5 5 25 27, 275 का नेगेटिव मोमेंट आएगा, नेगेटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, कितने का आएगा, नेगेटिव मीन्स नीचे बना दो, 275। ठीक है, ये कहाँ पे है, जस्ट इस पर, मतलब जस्ट इससे पहले जब मैंने मोमेंट कंसिडर नहीं किया। अब क्या करना है, अब मोमेंट कंसिडर करो, तो 275 कैसा है, नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और जब मैंने इसको कंसिडर किया तो ये कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना, 50 ऐड करो, 225 आ जाएगा, कैसे आएगा, नेगेटिव का, तो जैसे मैं इस पे आया तो हमेशा क्या मिले मेरे को, मेरे क्या मिला यहाँ पे, 225, 225, ठीक है, ये वाला ऑर्डिनेट है और ये वाला, ध्यान रख, 225 का, तो ज्वाइन कर देते हैं एक बार, ज्वाइन बाद में करेंगे, चलो एक बार ऑर्डिनेट दे देते हैं। उसके बाद अब मैं कहाँ पे आया, बी सेक्शन हो गया मेरा, अब सी पे आया, किसकी बात कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट की, यहाँ कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सी पे देख लो कैसे निकालोगे। अब देखो तुम क्या सोचोगे, तुमने सोचा सर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ, अगर तुमने लेफ्ट टू राइट करा तुमको क्या क्या देना पड़ेगा, R1 का इफेक्ट आएगा और ये 50 भी आएगा, तो दो तो लोड आए, इन दोनों को तुमको ऐड प्लस करके वो सारा निकालना पड़ेगा। अगर तुमने लेकिन राइट वाला सेक्शन यूज में लिया, मीन्स राइट से लेफ्ट वाला यूज में लिया, तो कितने लोड आ रहे हैं, सिर्फ एक, कितने लोड आ रहे हैं, सिर्फ एक, तो हम क्या करेंगे, हम R12 वाला यूज में लेंगे, R12 मीन्स ये वाला, कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर, कितना लोड है, 100 किलोन्यूटन, कैसा देगा, क्लॉकवाइज, कितने का देगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 500। अब बताओ राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, कैसा आया, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जस्ट उल्टा, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो कितना आएगा, नेगेटिव 500, किस पे, सी पे, सी पे नेगेटिव 500 मीन्स इनसे भी ज्यादा लगभग यहाँ पे। और जब डी पे आएंगे तो डी पे भी दोबारा देख लो, राइट टू लेफ्ट देखते हैं, तो ये सेक्शन कहाँ पे आ गया, ये सेक्शन आ गया सीधा यहाँ पे, कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके आगे, लोड ही नहीं है, तो कितना आएगा, तो ये हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट। अब बताओ कैसा डिग्री आएगा, सिंपल, 0 डिग्री है तो 1 डिग्री बढ़ा दो, 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री मीन्स लीनियर, तो पहले इसको इससे मिलाना है ऊपर वाले से, फिर ये नीचे जाएगा, उसके बाद 500 वाले से मिलाना है, एक सेकंड में थोड़ा सही कर देता, उसके बाद किससे मिलाना है, 500 एंड देन 0 से। अब ये दो कर्व एक भी नहीं है, सारे क्या है, 1 डिग्री, तो तुमको इनके ऊपर लिखना है, क्या लिखोगे, 1 डिग्री, ताकि उसको पता रहे कि तुमने कैसे लिया 1 डिग्री, ज्यादा अच्छा लगता है अगर लिखोगे, तो ये है बस। तो मुझे एक चीज यहाँ बतानी है, वो ये
देखो, अगर तुमको किसी भी चीज में सडन चेंज दिख रहा है उसी सेक्शन पे, क्या दिख रहा है? सडन चेंज मीन्स वर्टिकल लाइन। सडन चेंज का मतलब है वर्टिकल लाइन। जितने वर्टिकल लाइन है किसके अंदर? एसएफडी के अंदर। एक बार देखो, ये रही पहली, दूसरी, तीसरी। क्यों आ रही है? क्योंकि इन सेक्शन पे क्या लग रहा है? एक वर्टिकल क्या लग रहा है? लोड लग रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो कहां पे हो, नीचे हो, लेकिन लग रहा है। दिख रहा है तुमको? एक दो तीन, ये सेक्शन है ए सी डी। देखो इन पे क्या लग रहा है? वर्टिकल लोडिंग लग रही है। इसलिए क्या आ रहा है? ये लाइन क्या आ रही है? सीधी चेंज, बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, मीन्स 90 डिग्री का स्लोप। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखो, बताओ कहां पे सीधी लाइन आ रही है? यहाँ पर, ये रही। क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी? 225, और ये वैल्यू 275। तो यहाँ पे क्या आ रहा था? सीधा लाइन। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? कंसेंट्रेटेड क्या लग रहा है? लोड लग रहा है, मोमेंट किसकी बात कर रहे हैं? बीएमडी की। तो कंसेंट्रेटेड क्या लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। देखो ये लग रहा है कितने का लग रहा है? 50 का। कितने का लग रहा है? 50 का लग रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हमने लोडिंग, मतलब तुम बीएमडी और एसएफडी को देख के बता सकते हो कहाँ पे क्या लग रहा है, कितना लोड लग रहा है। देखो कैसे बताओगे, ये बहुत गेट वालों के लिए है, गेट और ईएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। गेट ईएससी में काफी ऐसा आता है कि तुमको एसएफडी या बीएमडी देगा और तुमसे बोलेगा लोडिंग से बताओ, लोडिंग प्रोफाइल की लोड कैसे कैसे लग रहा होगा। तो तुमको ऐसे बताना होता है, देखो ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मीन्स इस पे एक डाउनवर्ड लोड लग रही है पक्का। फिर ये चलता गया, सेम चल रहा है, मतलब कोई भी लोडिंग नहीं लग रही। जैसे मैं यहाँ पे आया तो क्या हुआ? सडन क्या हुआ? इंक्रीमेंट ऊपर गया, मतलब क्या हुआ? ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 55 प्लस 100, तो कितना हो गया? 155 ऐड हुआ है। मीन्स कहाँ लग रहा है? ये लोड लग रहा है ऊपर। फिर वापस देखो सीधा चलता जा रहा है, मीन्स कोई लोडिंग नहीं है इसके बीच में। फिर जस्ट क्या हुआ? नीचे गिर गया। डायग्राम क्या हुआ? गिर गया नीचे। कितना गिरा है नीचे? 100 नीचे गिरा है। 100 नीचे गिरा है मीन्स नीचे कितना लग रहा है? 100 किलो न्यूटन। तो ये तुम्हारे गेट में या ईएससी में सीधा सवाल आता है, ईएससी में 2 मार्क्स का और गेट में 1 मार्क्स का आता है लगभग। तो इससे तुम्हारे क्या होते, गेट ईएससी में बिल्कुल ये कंसेप्चुअल ऐसे ही आते हैं। तो सारा बेसिक तुम्हारे इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, बस तुमको निकालना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस करके। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। तो ठीक है, अब ये थोड़ा ओवरलैप हो जाता है तो तुम थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, तुमको अच्छी तरीके से बनाने तुम्हारे, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो इसलिए नोट्स जरूर बनाना, बहुत काम की चीजें हैं इसलिए, क्योंकि ऐसे सवाल कोई कराएगा नहीं तुमको कहीं पे, ध्यान रखना। तो पहला सवाल हो गया, अगले भी चलते हैं। ओके, नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, ठीक है? तो बेसिक बेसिक सब हो चुका है इसके अंदर। वर्टिकल लाइन खींच देता हूं पहले ही, ताकि बाद में जरूरत ना। एक एस एफ डी के लिए, एक बी एम डी के लिए। अभी इसका रिएक्शंस निकालना है। सबसे पहला काम, पैटर्न सेम है, सबसे पहला क्या है? रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के लिए पहले मैं इसकी शेप बनाता हूँ, डिफ्लेक्टेड शेप, मीन्स रिएक्शंस बनाते हैं, रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं। दोबारे बना देता हूँ। तो देखो ये था एक, ये और उसके बाद ये। तो ये हमारा क्या है? लोडिंग पैटर्न है। यहाँ पे कितना है? 10 किलोन्यूटन पर मीटर। बताओ ये क्या है? इन सपोर्ट है। इन सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं? दो। पहला इधर हमने मान लिया, ठीक है, हमने इनको मान लिया कि ये इधर उधर लग रहे हैं। अगर गलत लिया है तो नेगेटिव में आ जाएगा सीधी बात। जैसे लास्ट सवाल था, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट मीन्स ऊपर की तरफ मान लिया हमने। नाम दे दो, 1 2 3, थ्री अननोन्स, थ्री इक्वेशंस वी हैव, सो वी कैन सोल्व इट इजिली बाई अवर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सोल्व कर सकते हैं उनको, तो वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। पहला क्या होगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स टायर्स में कितने फोर्स हैं? सिर्फ R1। R1 बराबर 0, पहला रिजल्ट, समेशन एफ आई 0। अब बताओ इसका, पहले इसका जो लोडिंग है वो उसका रिजल्ट पूरा कहाँ पे आएगा? 10 मीटर है टोटल, तो इसके सीजी, ट्रायंगुलर का सीजी कहाँ पे होता है? L/3 पे। कहाँ पे होता है? L/3 पे। तो इसका जो लोड है वो कहाँ पर आएगा? बिल्कुल नीचे। कितना आएगा?
कितना आएगा बताओ, मैंने क्या बताया था, एरियाज होता है वही क्या होता है, लोडिंग का आंसर होता है। सो हाफ लेंथ कितनी है, 10 मीटर, बेस कितना है 10 मीटर, हाइट कितनी है 10, 10 10 100, सो 50 किलोन्यूटन क्या आएगी इसकी लोडिंग का नेट फोर्स आएगा, कितने दूर, 12 बाई 3, 12 बाई 3 यहां से मीन्स 20 बाई 3 मीटर इधर से, और L/3 मीन्स 10/3 यहां से, ठीक है। ये होता है अपना सीजी, ट्रायंगुलर का सीजी कहाँ होता है, L/3 फ्रॉम द लॉन्गर स्पान एंड 12/3 फ्रॉम द वर्टेक्स, तो कितना आ गया 50। तो देखो समेशन F/0, पॉजिटिव वाई वाले एक साइड, नेगेटिव वाई वाले एक साइड करो, पॉजिटिव वाई में कौन है, R2 और R3, नेगेटिव वाई मीन्स जो नीचे लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है 50। अगला काम, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो किसके अबाउट लोगे, जहां पे हमारा कोई क्या है रिएक्शन अवेलेबल है, तो ए इसको नाम दे देते हैं और बी इसको, और बीच में कहीं सी ले लेंगे जिसको L/2 मान लेते हैं, L/2 पर है, तो किसके अबाउट ले लेते हैं, ए के अबाउट, तो ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा जीरो, एक क्या देगा ये एरिया देगा, कितना कैसे देगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एक साइड लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड, ये कैसे देगा क्लॉकवाइज देगा एरिया वाला, क्योंकि नीचे लग रहा है, तो ए के अबाउट क्लॉकवाइज कितना दूर है, 20/3 मीटर दूर, कितना लग रहा है 50, सो 50 × ये कैसा होगा क्लॉकवाइज, और R2 देगा एक कैसा एंटी क्लॉकवाइज, कितना दूर है 10 मीटर दूर है, R2 कितना मीटर दूर है 10, इसको सॉल्व कर लो, 100/3 कितना आ गया तुम्हारा R2 आ गया किलो न्यूटन, R2 आ गया। अब R2 और R3 का रिलेशन है हमारे पास, यहां से R3 कितना हो जाएगा 50 माइनस R2, 50 माइनस R2 मीन्स 100/3, सो 50/3 इज अवर R3, यूनिट भी लिख दो किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गए, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि तो मैं इसी पेज में करा देना चाहता हूँ सारी चीजें, नोट कर लिया करो जैसे टाइम मिले। ओके देख लो एक बार ध्यान से, शायद आई हैव डन सम मिस्टेक आई थिंक, प्लस प्लस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दिस इज R3, ओके या मेरे को लग ही रहा था ये R3 आएगा, सॉरी, और ये R2 आएगा, तो ये R3 है, तो R3 प्लस R2 का जो सम है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कर लें, थोड़ा मिस्टेक हो गया सॉरी इसके लिए, तो R2 कितना हो गया 50/3 एंड R3 कितना हो गया 100/3, ठीक है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि देखो जो इसका लोडिंग का जो इफेक्ट है, ज्यादा लोडिंग किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसी तरफ क्या आना चाहिए रिएक्शन ज्यादा आना चाहिए, तो R3 क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए किससे, R2 से, इसलिए मेरे को पता लगा कि मैंने कहीं मिस्टेक करी है, क्योंकि R3 क्या होना चाहिए ज्यादा R2 से, क्योंकि जिधर लोडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा उधर रिएक्शन ज्यादा आएगा होल्ड करने के लिए, तो R2 कितना है 50/3 और R3 कितना है 100/3, इसको देख लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सो जस्ट एलिमिनेट इस, ठीक है, तो ये लिख लेना एक बार, किसने नहीं लिखा नोट डाउन कर लेना। ओके चलो आगे चलते हैं, तो हमारे ये लोडिंग है रेडी है अभी तक, R3 कितना आया है 100/3 किलो न्यूटन, R2 कितना आया है 50/3 किलो न्यूटन। चलो दूसरा काम क्या है, रिएक्शंस आ गए, दूसरा काम क्या है शियर फोर्स डायग्राम के कैलकुलेशन, तो पहले किस पे निकालते हैं, ए पे, फिर सी पे लेंगे, सी क्या है हमारा मिड सेक्शन, ठीक है, फिर बी पे, तो ए पे निकालो, तो शियर फोर्स एट ए, देखो कोई क्या है पॉइंट लोड है इस पे, तो जस्ट लेफ्ट में देखेंगे और फिर यहाँ पे, तो जस्ट लेफ्ट में देखा तो कितना आएगा जीरो, कुछ भी नहीं है इसलिए, और जस्ट कहाँ देगा सेक्शन पे, जस्ट कहाँ देगा सेक्शन पे, सेक्शन पे देखते कितना हो गया 50/3 का, कहाँ लग रहा है ऊपर लग रहा है, मीन्स ऊपर वाला क्या होगा पॉजिटिव, आप किस पे आते हैं सी पे, सी पे आता हुए, सी का रहने देते हैं मेरे हिसाब से, इसकी बजाय चलो सी का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो सी का जब देखोगे तो इस सी के लिए लोडिंग एरिया, सी का है मिड पे, तो जो लोडिंग की जो इंटेंसिटी होगी सी पे कितनी होगी 10 का हाफ, क्योंकि लेंथ भी हाफ कर दी हमने, तो इसका भी हाफ कर दो, कितना हो गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ भी कितनी होगी 5 मीटर, और यहाँ पे रिएक्शन कितना है 50/3, शियर फोर्स निकालो, पहले इसका नेट निकालो, कैसे आएगा एरिया हाफ
बेस इंटू हाइट 25 बाई हाफ बेस इंटू हाइट, कर लो समेशन एफ आई, मीन्स पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ और ये कहा है नेगेटिव है कितना 25/2, 6 सेल्सियम आ गया, 100 375 25/6, ये कहाँ पे आ गया सी पे। नोट करते जाते सीधा एक लाइन और सी यहाँ पे लेते हैं मिड। कितना आ गया ये 50/3 किलो न्यूटन सी पे ये, और बी पे भी निकाल लेते हैं शियर फोर्स एट बी। तो बी पे देखो जैसे मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इतने सारे लोड इकट्ठा हो गए देखने के लिए, कहाँ से देखो R12 कहाँ से देख लो अब राइट से लेफ्ट, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। सो राइट से लेफ्ट देखोगे तो बी पे भी क्या लग रहा है एक लोड लग रहा है कंसेंट्रेटेड लोडिंग, तो जस्ट लेफ्ट में देखो और कहाँ पे देखो जस्ट सेक्शन पे, तो पहले हमने क्या देखा जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में देखा तो क्या रहेगा देखो लोडिंग का सीन क्या है, मतलब इसको कंसिडर नहीं करना, जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या है इसको कंसिडर नहीं कर रहा और हम कर क्या रहे हैं राइट से लेफ्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक की लोडिंग देखो कौन है सिर्फ कौन है 100/3 कैसा है ऊपर है, जस्ट लेफ्ट दोबारा देख लो ये रहा तुम्हारा सेक्शन, जस्ट लेफ्ट मतलब है मैंने बस थोड़ा सा पीछे देखा जहां पे ये 100/3 को मैंने कंसिडर नहीं किया बस इतना सा मतलब है। तो इस सेक्शन पे आर से लेफ्ट जा रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना लोड लग रहा है 100/3, कहाँ लग रहा है पॉजिटिव वाली, और राइट टू लेफ्ट में क्या लेते हैं इसको हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव का कितना हो गया 100/3, और जस्ट बी पे कितना होगा जस्ट लेफ्ट ऑफ द बी एंड जस्ट बी, जस्ट बी पे आते हम कहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आते क्या होगा 0 हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस का 100/3 कहाँ पे था यहाँ तक था, जैसे इस पे आया तो इसको ऐड करना पड़ेगा प्लस करके क्योंकि ऊपर लग रहा है, ऐड किया तो क्या हो गया 0, तो मतलब तुमको ध्यान रखना है लगभग यहाँ पे हमेशा 0 ही आते हैं सपोर्ट्स पर एंड, मतलब जब भी लोडिंग जब एंड हो जाती है तो एंड में हमेशा 0 ही बचता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल रूल मान सकते हो तुमको एक तरह से प्रिंसिपल रूल मान लो, एंड में आते क्या हो जाता है 0। देखो पहला कहाँ था 0 था जस्ट लेफ्ट ए पे, ए सी बी क्या था 0, सो दिस इज अवर 0। फिर उसके बाद कितना हुआ 50/3 कैसा पॉजिटिव, आगे गए सी पे आते क्या हुआ 25/6, 25/6 क्या है इससे कम होगा, सही बात है इससे कम हम उतना ले लेते कितना है 25/6, बी के जस्ट पहले कितना है -100/3 ठीक है, और बी पे कितना है 0, जस्ट बी पे आए तो कितना हो गया 0। अब इसको लिंक करना है, सोचो लिंक कैसे करोगे, यही अब मेरा मेन था सॉल्व कराने का मोटिव यही था, कैसे करोगे लिंक तो करते हैं देखो वापस वही रिलेशन काम में आने वाला है, तो ये कैलकुलेशन अगर इसको लिखनी है लिख लेना, मैं इसको भी हटा रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ये क्या टाइम लेगी, तो इससे बढ़िया मैं इसको जगह भी खराब ना हो और मेरा काम भी हो तो इसको मैं हटा देता। ठीक है तो कितना आने वाला है देखो, तो ठीक है गाइस तो हमने देखो अब SFD बनाना है, तो SFD के लिए मैंने ऑर्डिनेट दे दिए 0 50/3, ये हमारा 0 था ये 50/3 थी, कैलकुलेशन मैंने हटा दिया यहाँ से ताकि अभी BMD करेंगे इसलिए, और 25/6 ये था और ये तुम्हारा 0 था और इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है, मैंने कहा इसको ऑर्डिनेट को थोड़ा ऊपर कराया ताकि डायग्राम थोड़ा स्मूथ बन जाए, इसलिए थोड़ा वीडियो का रिकॉर्डिंग चला गया था तो मैं थोड़ा आगे आ गया मेरे को पता नहीं लगा इसलिए, लेकिन कुछ नहीं कराया वापस वही स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमको क्या करना है, हमको अब यहाँ पे शेप देनी है, शेप कैसी 2 डिग्री, कौन सी शेप देनी है हमको 2 डिग्री शेप देनी है, लेकिन हमारे पास पहला डाउट ये आता है कि हमको देंगे कैसे इसको, देने का मतलब क्या कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ यहाँ से, क्योंकि जब लीनियर होता है लीनियर में कोई दिक्कत नहीं है सीधा मिला दो, अब मेरे को इसको इससे मिलाना है, अब इसको ऐसे मिलाऊं या ऐसे मिलाऊं, क्योंकि वो कर्व की दिक्कत आती है कर्व कौन सा लेना है 2 डिग्री में कहाँ से ले ऊपर से ले या नीचे से, तो इसके लिए तुमको क्या करना है सिंपल रिलेशन है हमारे पास, मैंने पिछली बार बताया था W बराबर DV/DX, DV/DX मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं V ओवर द X मीन्स tan थीटा, Vx कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा W इंटेंसिटी के बराबर, बताओ A पर इंटेंसिटी कितनी है 0,
बताओ कोई डब्ल्यू की वैल्यू है? ये पर नहीं है, जीरो है डब्ल्यू की वैल्यू। डब्ल्यू जीरो है मीन्स टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो मीन्स एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो हमको इसको कैसे मिलाना है? 0 डिग्री मेंटेन करके ऐसे, समझ गए? कैसे मिलाना है? 0 डिग्री मेंटेन करके। अब देखो 0 डिग्री कैसे मिलाओ इसको, 0 डिग्री ऐसे ताकि ये ऐसा रहे, जस्ट टेंजेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कोई सोच रहा, सर यहाँ पे भी 0 डिग्री लेना है, क्या लेना है बताओ? यहाँ पे कितनी वैल्यू है इंटेंसिटी की? 5। इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स टेन थीटा भी क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो थीटा भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब हम जैसे इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है हमारा? इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और इंटेंसिटी बढ़ रहा है मीन्स क्या बन रहा है? टेन थीटा बढ़ाना है हमको, टेन थीटा बढ़ाना है मीन्स जब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है 0 से इन्फिनिटी, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 टू 90। तो थीटा भी बढ़ता है, अगर हमारे टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो थीटा भी बढ़ाना है मीन्स हमको स्लोप धीरे धीरे क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। क्या करनी है? धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, ये ध्यान रखना तुम। स्लोप क्या करनी है? धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, तो स्लोप धीरे धीरे हम क्या करें? इंक्रीज धीरे धीरे क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो जस्ट ये यहाँ पे 0 मेंटेन करते हुए इसको, 1 सेकंड मैं थोड़ा ऑर्डिनेट इसको नीचे ले लेता हूँ, कि इतना ऊपर बढ़ाने से प्रॉब्लम दे रहा है। वाह, ऐसे नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। चलो पहले कर्व बना देते हैं, जहां ऑर्डिनेट आएगा उसको बना, क्योंकि इसको इससे मिलाना है सीधा। और देख लो यहाँ पे भी क्या हमको एंगल कुछ मेंटेन करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं है। देखो ये रहा, ये कर्व बनेगा, ठीक है, ये वाला कर्व बनेगा, और फिर इसको सिंपल ऊपर मिला दो ऐसे, इसको मिला दो और किसको मिला दो, इसको मिला दो। तो ये तुम्हारा क्या है, एस एफ डी का कर्व, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एस एफ डी हो गया। यहाँ पे वैल्यू दे दो कितनी थी, 25/6, ठीक है, ये वैल्यू आई थी यहाँ पे, कैलकुलेशन मैंने करी थी वहां से देख लेना तुम, 50/3, 25/6, 100/3, और ये 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एस एफ डी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एस एफ डी हो गया। अब चलते हैं बीएमडी पे, बीएमडी कैलकुलेशन देखनी है सिंपल, तो बीएमडी के लिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी। सो बीएमडी करना है हमको, तो बीएमडी करने के लिए वही 3 सेक्शन है हमारे पास, तीनों पर बेंडिंग मोमेंट चेक करो कैसे कैसे निकालेंगे। देखो ए पर कोई मोमेंट है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि इंच सपोर्ट है, तो इंच सपोर्ट पर हमेशा क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। तो ए पर और बी पर तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पहले से तुम 0 बना दो, 0 1 ये बना दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे कर्व बनाना है इस बार, ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बनेगा, 3 डिग्री, 1 2 3। 0 से स्टार्ट करना है, 0 पे एंड करना है, लेकिन बीच में कोई वैल्यू आएगी, कितनी आएगी निकाल लो सी पे। तो सी पे निकालने के लिए मैंने क्या करा, सेक्शन कट करा ऐसे, सेक्शन कितना है, 50/3, यहाँ पे निकालना है कितना है वैल्यू, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये रहा देखो बना रहा है, 10 का आधा 5, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 5। तो सिंपल मैंने पिछली बार भी निकाल लिया था, ये आया था 25/2 किलोन्यूटन, कितना दूर होगा टोटल, कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर मीन्स 12/3, 12/3 मीन्स 2 × 5/3, 2 × 5/3, 2 × 5/3 मीन्स 10/3, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन ये लिख नहीं रहा, 10/3 मीटर ये दूर होगा, और L/3 मीन्स 5/3 मीटर ये दूर होगा, ठीक है। इसके बाद मोमेंट निकालना है, ये कैसे देगा क्लोकवाइज, ये कैसे देगा एंटी क्लोकवाइज, L2R जा रहे हैं तो क्लोकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लोकवाइज नेगेटिव, क्लोकवाइज पॉजिटिव मीन्स 50/3 पॉजिटिव आएगा, कितना दूर है, 5 मीटर दूर है इससे, सी से। नेगेटिव करना एंटी क्लोकवाइज, 25/2 है, कितना दूर, 5/3, सॉल्व कर लो, 250/3, 25, 125/6, तो इसको कर लोगे तो तुम्हारा 6 LCM आ गया, 250/100, 125, 375/6 किलो न्यूटन मीटर, कितना आएगा, 375/6 किलो न्यूटन मीटर।
तो इस पे हमारा ऑर्डिनेट आ रहा है कितना, 375/6 किलोन्यूटन मीटर। अब देखो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम कहाँ पे आएगा बताओ, मैंने बताया था यहाँ पे तुम्हारा शियर फोर्स जीरो होगा, वहां पे तुम्हारा क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके ऊपर भी कुछ वैल्यू आएगी। अब वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, वो अगर तुम निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसका रुपये 2 डिग्री बना देना बस ध्यान से, ये भी तुमको बनाना है हर बार। इस पे 1 डिग्री है तो इस पे 2 डिग्री बनाना, इस पे 3 डिग्री करो, बनाते देखो बीएमडी का, बताओ यहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे। 3 डिग्री बनाना है, अब तुम सोचोगे सर ऐसे करें, जीरो स्लोप दें या सीधा करें, कैसे बनाओगे। 3 डिग्री है तो क्या देना है, कर्व बनाना है। और कैसे देखते थे हमारे पास रिलेशन कौन सा था, dm/dx = CL4, ये वाला रिलेशन था, लगा दो। सीएल फोर्स क्या है, जीरो है, यहाँ पे कितना है 50/3 है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारा जो स्लोप है, स्लोप मीन्स टेन थीटा, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कितना हो गया नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स टेन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स 0 डिग्री हमको देना ही नहीं है यहाँ पे, 0 डिग्री नहीं देना तो कुछ देना हो ठीक है। बट यहाँ पे क्या है तुम्हारा शियर फोर्स जीरो है, मतलब वी जीरो है, तो वी जीरो तो मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हमेशा टेंजेंट क्या लेना है, बिल्कुल सीधा, थीटा कितना मेंटेन करना है 0 डिग्री। तो देखो बनाते हैं इसको, कुछ स्लोप देना है ऐसे, स्लोप ऐसे देना है ताकि यहाँ पे थीटा कितना रहे, 0 डिग्री रहे। ठीक है, अब एक कर्व थोड़ा स्केल पे नहीं है, तुम सही से बना सकते हो आज से, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तुम थोड़ा कुछ और पेपर पे बनाओगे तो सही से बनेगा। तो ये वैल्यू कितना हो गई, 375/6 किलोमीटर पर मीटर, और यहाँ पे कितना हो गया मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो उसको कितना आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम तुम चाहो तो निकाल सकते हो कितना आ रहा है, और बाकी तुम्हारा बिल्कुल जहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम आएंगे वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये तुम्हारे जीरो जीरो, तो ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव। सो दिस इज योअर बीएमडी एंड दिस इज योअर एसएफडी, दिस इज अवर 3 डिग्री कर्व एंड दिस इज अवर 2 डिग्री कर्व। तो तुम्हारा थर्ड सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं ये वाला, ठीक है। अब मैं ये वाला करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम ये इजीली बना सकते हो कुछ कर्व, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा सभी पे, तो तुम बना सकते हो, तुमको डाउट नहीं आएगा, मेरी गारंटी है इसके बाद, जितना मैंने एक्सप्लेन करा है इजी वे में, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, अगले पेज पे काफी अच्छे सवाल है जैसे ये रहे, तो ये मेरे को कराने हैं मेनली, मेन मोटिव यही था कि मैं ये वाला सवाल करा दूँ आज। तो एक बार ये भी करा ही देते हैं, थर्ड थर्ड वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी एंड देन कर्सर, फिफ्थ पेज। तो जस्ट पुट सम लाइंस फॉर ड्रॉ अवर एस एफ डी बी एम डी। क्योंकि इसमें तुम्हारे और कंसेप्ट क्लियर होंगे पिछले वाले सवाल के और अच्छे से। पहला काम क्या है, रिएक्शंस निकालना, पहला काम क्या है, रिएक्शंस निकालना। तो पहला काम, उससे पहला काम है शेप बनाओ, उससे भी पहला काम क्या है तुम्हारे पास, शेप बनाना है इसका। ठीक है, इतना ही बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ओके एंड देन मूव ऑन फॉरवर्ड, इनके रिएक्शंस नोटेशन दे देते हैं हम इस पे, देखो इन सपोर्ट है 1 2, सो और यहाँ पे दो रिएक्शन आते हैं हमको बता, उसको R1 दे देते हैं, उसको R2, उसको R3, ठीक है, हमने क्या दे तीनों के नाम। अब देखो मेरे को तुमको इससे पहले ये बताना है कि तुम्हें क्या है इसका सीजी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लोडिंग है वो तो तुम निकाल लोगे, लोडिंग मीन्स इसका एरिया, सिंपल क्या निकालना है इसका, सिंपल एरिया क्या निकालना है, सिंपल एरिया निकालना है, लेकिन
वो एरिया का जो सेंटर है सीधी वो कहाँ पे है वो तुमको निकालने के लिए, वो तुमको मेरे को एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, वो मैं तुमको डायग्राम के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैं टाइम उसमें भी लगा दूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को। सो ठीक है, थोड़ा रुक जाता है उसके लिए। आई विल शो यू इन द डायरेक्टली इन द टैब सर्च पे। सीजी ऑफ दी ट्रेपेजोइडल सेक्शन। सो डायग्राम के साथ सीधा आ जाए तो ज्यादा बढ़िया, नहीं मेरे को बनाना पड़ेगा ये रहा। ओके 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 ठीक है, डायग्राम साथ आ जाए, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। बट दिस नॉट वन फॉर अस, दिस वन इज करेक्ट। या ये रहा, देखो देखो इसमें ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा लेंथ ए, ये तुम्हारा क्या है बी। अगर ट्रेपेजॉइडल में लॉन्गर लेंथ एक स्मॉलर लेंथ होती है, और हमको सीजी कहाँ से देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ए से। अगर तुमको नहीं आ रहा इसमें समझ तो मैं तुमको उसमें बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं ए से, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री। एच बाई थ्री मीन इनके बीच की डिस्टेंस, एंड ए प्लस बी इन दोनों का सम। ए प्लस टू बी, अब ये टू का बड़ा रोल है इसके अंदर, टू हमको किसके आगे लगाना है, ए के आगे या बी के आगे। तो देखो टू उसके आगे लगाना है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, ए से बी की जा रहे हैं हम, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए प्लस जिसकी तरफ जा रहे हैं उसके आगे टू लगाना है, बी की तरफ जा रहे हैं हम ए से, तो ए प्लस टू बी। ठीक है, ए से बी की तरफ गए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी, और अगर बी से ए की तरफ हम देखेंगे सेंटर तो क्या हो जाएगा, बी प्लस टू ए। नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको उसमें बता देता हूँ। फिफ्थ नंबर नोटबुक है, और वैसे तो आगे होगा लेकिन फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बता देते हैं। ये तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल शेप है, बी ये है, ए ये है तुम्हारा, और तुम चाहते हो कि मैं सीजी देखूं, तो सीजी लाइन तो ये रही। अब सीजी कहाँ से ले रहे हैं हम, मान लो यहाँ से ले रहे हैं, वाई वन बार दे देता हूँ उसको मैं, और अगर तुम बी से ले रहे हो सेम तो उसको नाम दे देते हैं वाई टू बार, और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या दे देते हैं एच। तो देखो दोनों के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, वाई वन बार का भी वाई टू बार का है, दोनों सेम लाइन तो वही है, बस एक हम ए से देख रहे हैं एक हम इस लाइन से देख रहे हैं। एक तुम कहाँ से देख रहे हैं, ए डिस्टेंस वाली लाइन से, दूसरे हम बी डिस्टेंस वाली लाइन से, लॉन्गर स्पान वाली। ठीक है, तो क्या होता है वाई वन बार कैसे लिखेंगे बताओ, ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो ए प्लस टू बी लिखना है, और बाकी सारा सेम है, ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री। अब वाई टू कैसे लिखेंगे, बी से कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसको लिखना है बी प्लस टू ए, जिसकी तरफ जाते हैं उसके आगे दो जोड़ना है, ध्यान, बाकी सारा सेम एच बाई थ्री। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। सीजी ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह काम आता है, और मैक्सिमम क्या याद नहीं रहता काफी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो इसको थोड़ा याद रखना तुम, इसको लिख लो चाहे 2 सेकंड। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए। चलो तो ये इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप कहाँ पे है, ये रे ट्रेपेजॉइडल, ये क्या है ट्रेपेजॉइडल, जिसमें कहाँ से सीधी देख रहे हैं, मैं मान लो यहाँ से देखना चाहता हूँ, यहाँ से कितना दूर है सीधी, कैसे देखेंगे, यहाँ से देखना है, तो क्या करना है, 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10, क्योंकि ये हमारा 10 है और ये हमारा 20 है, अपॉन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 बाई 3। दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ से देख रहे हैं तो इस वाली डायमेंशन को छोड़ देना, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, मान लो ये ए है मान के चलो, तो बी से देख रहे हैं तो बी से देख रहे हैं तो मीन्स बी प्लस टू है, दोनों का सम एच बाई थ्री, जो उनके बीच की क्या है डिस्टेंस है, तो एच बाई थ्री 10 बाई 3 हो गया, ए प्लस बी में दोनों को जोड़ दो 10 और 20 को, बी प्लस टू है, तो बी यहाँ से जहां से देख रहे हैं उसको छोड़ देना, बस जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया 20 20 40, 40 बाई 30, 10 बाय 3, ये 0 कट गए, 3 3 9, तो 40 बाय 9 कितना है, 40 बाय 9 मीटर दूर हमारा क्या होगा सीजी होगा, 40 बाय 9 मीटर्स दूर हमारा क्या होगा सीजी होगा। तो इसको मैं और थोड़ा फेंक देता हूँ नीचे, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गए,
40 बाई 9, 40 बाई 9 मीटर दूर हमारा क्या लगेगा, पूरा नेट लोड। बट इसकी वैल्यू कितनी होगी, एरिया निकाल लो, सिंपल है। ट्रेपेज़ोइडल का एरिया भी पता होगा तुमको, वो भी बता देता हूँ। देखो ये तुम्हारा बी मान लो, ये तुम्हारा ए मान लो, ये तुम्हारा एच मान लो, परपेंडिकुलर हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इन दोनों को जोड़ दो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा एरिया होता है। लगाओ यहाँ पे हाफ ए प्लस बी, 10 और 20 को जोड़ो कितने हो गए, 30। 20 की डिस्टेंस कितनी है, 10, कितना हो जाएगा 150 किलोन्यूटन, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो ये वाला भी मैं नीचे ही डाल देता हूँ, कोई तो काम करनी है वो यहाँ पे भंडारा थोड़ी लगाना, तो उसको नीचे डाल देते। ठीक है, हमारे रिएक्शंस निकालने हैं हमको, तो हमने लोडिंग तो पूरी आइडेंटिफाई कर ली, इसको हटाई देता हूँ मैं। ठीक है, ये नोट करते रहना, बीच में पॉज करके नोट कर लेकर, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं रुक सकते इसके लिए, यूट्यूब है, यूट्यूब पे तुम ऑलरेडी नोट कर सकते हो रोक कर। चलो कैलकुलेशन में चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखोगे, इसको ए मान लो, इसको बी। अब मैं ना बीच का सेक्शन ले रहा हूँ, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा। ठीक है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले रहा है, जाना। तो पहला क्या है हमारा, शियर फोर्स कैलकुलेशन। क्या करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए, तो पहले हमारे को, हाँ सॉरी, पहले क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। समेशन एफ एक्स जीरो मीन्स आर ओन जीरो आएगा इसके अंदर, पहला रिएक्शन आ गई। समेशन एफ आई जीरो मीन्स आर टू प्लस आर थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। समेशन एम इज इक्वल टू जीरो, किसके अबाउट, ए के अबाउट ले लो। ठीक है, चलो बी के अबाउट लेते हैं इस बार, ए के लिए ले रहे बार बार, बी के अबाउट लेते हैं इस बार। करो बी के अबाउट कौन कौन से लोड है, मीन्स क्लॉकवाइज एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड, बताओ बी के अबाउट ये लोड कैसे देगा। एंटी क्लॉकवाइज 150 कितना दूर है, 40/9 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आर टू है वो कैसे देगा, क्लॉकवाइज कितना दूर है, 10 मीटर। अभी आर वन कोई मोमेंट देगा क्या, देखो ये कहां से पास हो रहा है, बिल्कुल कहां से पास हो रहा है, बी से, तो कोई डिस्टेंस नहीं है इसके बाद, जीरो रहेगी। तो इसकी वैल्यू कितना की, जीरो। ये कटा कितना हो गया, 3 5 200/3 कितना आ गया, 200/3 किलोमीटर। टोटल कितना है, 150 है, तो आर थ्री कितना आ जाएगा, 150 में से माइनस कर दो, 45 500 250/3। ठीक है, 250/3, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आर थ्री आ गया। तो मैं ये वापिस एलिमिनेट कर देते हैं फालतू। ओके, तो हमारे रिएक्शंस आ गए। अब क्या करना है, शियर फोर्स कैलकुलेशन ए पे और बी पे। अब ए पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो जस्ट लेफ्ट साइड देखा तो कितना आएगा, जीरो, कोई भी नहीं है। जस्ट ए पे देखा कितना आएगा, प्लस का 200/3, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आया, 200/3। बी पे देखो कितना है, अब देखो लेफ्ट टू राइट गए तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट टू राइट अगर तुम गए, पहले बी पे देखते हैं जस्ट लेफ्ट, क्योंकि बी पे क्या है, पॉइंट लोड है, मीन्स रिएक्शन है, कोई लोड है, कंसेंट्रेटेड लोड। लेफ्ट पे देखना है और जस्ट उस पे देखना है। जस्ट लेफ्ट में देखा तो मेरे पास इतना सारा भंडारा पड़ा है लोडिंग का, ये सारा इतना सारा भंडार है लोडिंग का, और ये कितना है, 200/3, इसकी वजह से कोई लोड आ रहा था कितना, 150। तो कितने हो गए, दो लोड हो गए। और अगर जस्ट राइट पे गए तो कितना है, सिर्फ एक, तो ये वाला यूज कर लेते हैं। जस्ट राइट मतलब बस मैंने इसको कंसिडर नहीं करा आर टू एल के अंदर, जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, यही होता है। तो देखो बताओ इसमें कितना वैल्यू आएगा, 250/3 कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ जब आर ट्वेल्व जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई को क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, तो नेगेटिव 250/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जब जस्ट उस पे आएंगे तो पॉजिटिव ये भी आ जाएगा, 250/3, तो नेट कितना हो गया, जीरो। तो ये भी क्या, जीरो से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी देखो जीरो था, फिर 200/3 आया, फिर -250/3 गया, फिर वापस जीरो आ गया। अब इसको मिलाना है, मिलाएंगे कैसे, मैंने बताया यहाँ पे क्या रिलेशन होता है शियर फोर्स और इसके बीच, इसको मैं हटा देता हूँ वापस।
क्या रिलेशन होता है देखो, डब्ल्यू बराबर होता है हमारा डीयू बाई डी एक्स मीन्स टेन थीटा, सो टेन थीटा मीन्स डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 10 है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो थीटा भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा हमको क्या करना है, स्लोप मेंटेन करना है। यहाँ पे आएंगे जैसे, अब देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, डब्ल्यू बढ़ रहा है, डब्ल्यू बढ़ रहा है मीन्स हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेन थीटा मीन्स थीटा बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा थीटा बढ़ाना पड़ेगा, बट जीरो नहीं लेना है यहाँ से, जीरो नहीं लेना है कहाँ से, यहाँ से, तो ये तुम बना सकते हो स्क्वायर रूट। अब बताओ कौन सा कर्व है, लीनियर है, 1 डिग्री है, मीन्स कितना हो गया 2 डिग्री, यहाँ पे शियर फोर्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। अब बताओ 2 डिग्री है सीधा क्या कर दो 3 डिग्री बना दो, क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंट क्या रहेंगे 0 रहेंगे, क्योंकि ये क्या है सपोर्ट है, सिंपल क्या कर दो 3 डिग्री का एक कर्व बना दो जिसमें यहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि जो हमारा मोमेंट का जो रिलेशन है वो ये है, यानी कि शियर फोर्स किसके इक्वल होगा टेन थीटा के, बीएमडी के अंदर टेन थीटा के इक्वल क्या होगा शियर फोर्स होगा, क्योंकि ये किसका कर्व है वीएक्स कर्व है और ये क्या है एमएक्स कर्व, वीएक्स कर्व मीन्स एसएफडी, तो एसएफडी के अंदर ये रिलेशन लगाना है, एमएक्स कर्व क्या मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बीएमडी के अंदर ये इक्वेशन लगाना है, तो वी बराबर क्या हो गया टेन थीटा। बताओ वी तुम्हारा 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो थीटा भी क्या होगा 0 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0, ऐसा बनाना है कर्व जो थीटा तुम्हारा 0 ना हो, बट यहाँ पे क्या है वी 0 है, वी 0 मीन्स थीटा 0 रखना है, मीन्स कॉन्स्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे। वापिस यहाँ पे भी देखो कोई 0 नहीं है, कितना है 250/3 नेगेटिव है, बस साइन ही तो उल्टा है, तो ये 0 नहीं देना ठीक है, स्लोप मेंटेन करना है ऐसे, स्लोप मेंटेन करना है बस, यहाँ पे 0 देना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एट हियर, दिस इज योर 3 डिग्री कर्व, दिस इज योर 2 डिग्री कर्व, दिस इज योर एफ एफ डी, दिस इज योर बी एम डी पॉजिटिव, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया एस एफ डी बी एम डी। वैल्यूज तुम चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे, वैल्यूज तुम चाहो तो निकाल सकते हो। अब मैं तुमको इसके अंदर नहीं, पिछले वाले के अंदर बताता हूँ कैसे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है, इसमें अगर तुमको मान लो निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, कैसे निकाले मतलब ये ऑर्डिनेट कैसे निकाले, जहां पे तुम्हारा क्या आ रहा है वी 0 आ रहा है, जहां पे तुम्हारा क्या आ रहा है वी 0 आ रहा है, कैसे निकालेंगे, तो देखो करते हैं कैलकुलेशन इसकी, तो ये कराना भी जरूरी है। नहीं बात क्या, कैलकुलेशन कराते हैं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं वी 0, क्या लिखा मैंने वी इज इक्वल टू 0, तो पहले मेरे को सेक्शन मैंने मान लिया कि लेफ्ट से एक्स डिस्टेंस दूर क्या है मेरा वी क्या है 0 है, मान के चला मैंने मान लिया कि हाँ मेरा इसके आगे क्या है 0 है, कितना शियर फोर्स क्या है 0, क्योंकि तो उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे एक्स निकाल लेंगे, और यहाँ पे तुमको बताया यहाँ पे रिएक्शन कितना लग रहा है 50/3, और ये तुम्हारा कितना ऑर्डिनेट होगा, देखो जब 10 किलो न्यूटन कितना दूर आ रहा है 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर कितना आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 1 मीटर दूर कितना आएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 किलो न्यूटन मतलब एक्स पे निकालना हमको, एक्स पे कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये मैं तुमको करा चुका हूँ ऐसे पहले भी लास्ट वीडियो में। बताओ इसका एरिया कितना आएगा, हाफ बेस कितना है एक्स, हाइट भी कितनी है एक्स, कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। बताओ शियर फोर्स 0 देना है, शियर फोर्स मतलब क्या होता है समेशन ऑफ द ऑल द ट्रांसवर्स लोडिंग, तो बताओ इसके अबाउट शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, लेफ्ट में जितने भी लोडिंग उनको ऐड कर दो, ऊपर लग रहा है कितना तो इसको पॉजिटिव ले लो, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर बाई टू नेगेटिव ले लो, बराबर 0, सोल्व करो इसको 50/3, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो गया 100/3, तो एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 100/3, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 100/3 मीन्स सो बाई थ्री बाई थ्री 30.33 का अंडर रूट निकालना है 1.92, ठीक है एक सेकंड में दोबारा करता हूँ, शायद कोई मिस्टेक तो नहीं करती, 13.33
का अंडर रूट 5.7 ये आएगा, 5.77 कितनी आई, कितना है तुम्हारे पास 5.77 मीटर दूर, तुम्हारा क्या आएगा शियर फोर्स क्या आएगा, 0 मीन्स हाफ ऑफ द पोर्शन से कितना आ गया, 10 था तो 5 से आगे कितना है 0.77 मीटर, कितना है 0.77 मीटर है यहां से। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, इसकी वैल्यू भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितना हो गया एक्स, एक्स कितना हो गया, चलो इसका बैंड सीधा ही करते हैं, सीधा ही करते हैं एक सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ना सर ऐसे ही करा रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार तुमको एसएफडी के अंदर बनाना पड़ेगा ये। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना कहाँ पे, सी पे निकालना है, सेक्शन तो अभी भी सेम है, सेक्शन तो क्या अभी भी क्या है सेम है, सी मुझे चाहिए कितनी वैल्यू आएगी, कैसे निकालोगे, सो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कैसे निकालोगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो 50/3 कितना दूर है एक्स मीटर दूर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लोडिंग है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लिख दिया, कितना दूर है एल बाई थ्री, ट्रायंगुलर में यहाँ से क्या लेते हैं एल बाई थ्री, यहाँ से 12/3 मीन्स 2x/3 करो इसको, यहाँ पे एक्स की कितना पुट करना है 5.77, कितना आया था एक्स इसको पुट कर दो, ये स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब और 3 टू द 6, सॉल्व करो बताओ, 50 मल्टीप्लाई बाय 5.77 डिविजिबल बाय 3 एंटर, माइनस करना है 5.77, चलो 3 बार ही लिख देते हैं, ये थोड़ा इसमें बहुत प्रॉब्लम है कैलकुलेटर के अंदर ही, 50 मल्टीप्लाई 5.77 डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज अवर व्हाट 96.167 ये वैल्यू तो आ गई। अब वापिस वो देखते हैं अगली 5.77, 3 बार लिख देते हैं कोई बात, डिविजिबल बाय 6, सो 32.0 इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 96.167 नेगेटिव 32.0167, सो 64.15, तो ये तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे मोमेंट आएगा, तो यहाँ पे मोमेंट के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितना है ये, अब देखो ये तुम इससे छोटा ही होगा, कैसे डिवाइड देके देख लो, 6 6 36, 15 6 3 18, तो इतना कुछ आ रहा है, और ये कितना सा आ गया, ये सिर्फ 0.77 मीटर आ गया, तो लगभग थोड़ा सा ही बढ़ेगा क्योंकि हमारा कर्व कैसा है 3 डिग्री है, कर्व में इतना बड़ा हो कितना हो गया 64.15, देखो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है यहीं पर आ रहा है, समझ गए मेरी बात, क्लियर है सबको, तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो तुम्हारा अगला सवाल भी अगर जैसे मैंने बताया तुमको ये वाला, तो इसमें भी तुम ऐसे ही चेक कर सकते हो सारा, क्या करोगे कोई सेक्शन काटो, कोई भी सेक्शन काटो, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा डाउट ना रहे इसके अंदर, थोड़ा सा करूंगा ज्यादा नहीं, ज्यादा तुम ही करोगे इसका सारा काम, तो कैसे निकालोगे, तो ये तुमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक, और एक्स सेक्शन मान लो तुमने ये काटा, ये तुमने क्या ले लिया एक्स, कितना ले लिया एक्स मीटर, तो कैसे तुम डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो, क्योंकि 10 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, और जब तुम 10 मीटर दूर गए तो 10 और बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10 और, 10 मीटर पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर बढ़ गया, तो वापिस एक्स पे कितना बढ़ेगा, वापिस एक्स बढ़ेगा, तो 10 तो पहले से ही था, बढ़ा कितना एक्स और, तो कितना हो गया 10+x, तो इसका जब लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10+x, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा ट्रेपेजोइडल है, इसका एरिया निकालो, एक लोडिंग आएगी, ये तुम्हारा R2 रिएक्शन हो गया, V0 कर देना किसके अबाउट एक्स के अबाउट, तुमको क्या मिल जाएगा सेक्शन मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, फिर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना, ये तुम सीजी से निकाल लोगे वापिस सीजी, तो मतलब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाला भी हो गया हमारा सवाल, आगे चलते हैं, अब ये वाला तुम कर सकते हो, इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ कराना पड़ेगा, ये वाला सवाल बस ओवर हैंग है तो थोड़ा ध्यान रखना,
ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेक्शन कितने हो गए? तीन। पहला सेक्शन ये, दूसरा ये, और तीसरा ये एंड सेक्शन। तो इसको तुम आराम से कर लोगे। पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये भी तुम कर सकते हो। बस यहाँ पे कंसंट्रेटेड क्या है, मोमेंट है। क्या लग रहा है? कंसंट्रेटेड मोमेंट। कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, तो ये भी तुम इजी वे में कर सकते हो। नहीं तो मैं, अगर तुम चाहो ठीक है करा देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही करूंगा, तो थोड़ा स्पीड में रहेगा, ध्यान रख। कैलकुलेशन ही है मेन पार्ट, तो थोड़ा स्पीड में रहेगा, तो कर लेते हैं, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक इतना काफी है, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं और सवाल।